एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको फेस एंड फुल बॉडी के लिए 3 टाइप्स ऑफ स्क्रब बताऊंगी। तो घर पे हम बहुत तरीके से स्क्रब बना सकते हैं, लेकिन आज जो मैंने आपको स्क्रब बताया है वो बहुत ही सिंपल एंड इजी है और इसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत है। सो बिफोर स्टार्ट द रेमेडी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एक्सफोलिएशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्किन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी हेल्दी स्किन केयर के लिए एक्सफोलिएशन और स्क्रब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में हमारी स्किन पे डर्ट, इम्प्योरिटीज, डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अगर हम उनको प्रॉपरली रिमूव नहीं करते हैं तो बहुत सारी हमारे स्किन इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, क्लॉग पोर्स एंड टाइनी बम्प्स। ये सारी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होने लगती हैं। इसलिए हमें एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए अपनी स्किन को प्रॉपर स्क्रब करते रहना चाहिए, सो दैट कि जो हमारे डेड पिगमेंटेड स्किन है वो हटकर हमारे न्यू स्किन सेल्स बाहर आए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो पहला स्क्रब है उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून रेड लेंटिल पाउडर यानी मसूर की दाल। आप चाहें तो यहाँ पे राइस फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए ऑरेंज पील पाउडर। अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली इसको ऐड कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड जो हमारा थर्ड इन्ग्रीडियंट है दैट इज़ रॉ मिल्क। हमने इसमें इतना ऐड करना है जिससे कि ये अच्छे से सोख हो जाए और एक थिक सा पेस्ट बन जाए। सो इस स्क्रब में हमने 3 इन्ग्रीडियंट ऐड किया है, दैट इज़ रॉ मिल्क, ऑरेंज पील पाउडर एंड रेड लेंटिल पाउडर। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और इन तीनों में ही ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्किन की कॉम्प्लेक्शन को, स्किन टोन को फेयर करता है, ब्राइट करता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्क्रब की तरफ, जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर। अच्छा, ये जो स्क्रब हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करें तो जस्ट आपने इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर को हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। शुगर और कॉफी की जो क्वांटिटी है वो हमने 1:1 रेशियो का रखा है। एंड नॉइस की मिक्सिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमने इसमें इतना ऐड करना है जिससे कि ये दोनों इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। सो इस स्क्रब में हमने कॉफी एंड शुगर ऐड किया है। शुगर एंड कॉफी दोनों ही एक ग्रेट एक्सफोलिएटर एंड स्क्रबर है। शुगर के टाइनी ग्रैनुअल्स हमारे डेड स्किन को जेंटली रिमूव करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है। ये एक नेचुरल सोर्स होता है ग्लाइकोलिक एसिड का एंड इसकी यही प्रॉपर्टीज हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड मॉइस्चराइज रखती है। एंड कॉफ़ी जिसमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होता है और ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है, डार्क पिगमेंटेड अपीयरेंस को रिड्यूस करके हमारी स्किन को इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड इसी के साथ जो हमारा लास्ट स्क्रब है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून क्रस्ट शुगर। ध्यान रहे, मैं यहाँ पे क्रस्ट शुगर का यूज़ कर रही हूँ। एंड इसको मिक्स करने के लिए हमें चाहिए टोमेटो जूस। शुगर एंड टोमेटो एक ग्रेट स्क्रबर है एंड ये स्क्रब करने के साथ साथ उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनके स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई हुई है, स्किन डल लगती है या फिर उनके स्किन में एक्ने के स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है। तो शुगर के बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ना। टोमेटो एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन से टैनिंग को, डलनेस को नेचुरली क्विकली रिड्यूस करता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारी स्किन डलनेस को कम्प्लीटली रिड्यूस करता है, क्लियर करता है हमारे स्किन और हमारे पोर्स को, हमारे स्किन टोन को ब्राइटन अप करता है। इसमें प्रेजेंट सिट्रिक कंटेंट एक नेचुरल ब्लीच की तरह एक्ट करता है और हमारी स्किन को एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। सो इन तीनों स्क्रब में से जो भी आपको इजी लगता है, जो भी इंग्रेडिएंट आपके घर में इजीली अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही स्क्रब ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है तो आप वीक में 2 बार स्क्रब कीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप वीक में 1 बार कीजिए, काफ़ी है। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं जल्द मिलती हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।